अरे आप लोग कहते हो कि हमको हिंदुस्तान से निकालेंगे, अगर किसी के बाद दम है तो हमको बेंगलुरु से निकल के दिखाओ। देश हमारा था, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई है। जो बहुत कुछ बोल दिए अच्छा सुनिए, आज हम लोग सब यहाँ पे जाओ जमा हुए प्रोटेस्ट की वजह से हुए हैं, और तो रात के 12:07 को मैं आया था तो जनरल प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करने नहीं दिया तो हम लोग निकल गए। लेकिन आज और ये जो NRC बिल, जो NRC और CA का CAP का बिल जो पास हुआ है, और इसमें अमित शाह कह रहा था कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये मेरा मैसेज बार बार कोई बार बार न्यूज चैनल में दे रहा हूँ, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं अमित शाह से, मोदी से, योगी से, RSS से, संघ परिवार से, BHP से, सब लोगों से कहता हूँ, मुसलमान डर से नहीं डरता, डर मुसलमानों से डरता है। डर के आगे जीत है, मौत के आगे जिंदगी है, गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी। हक के लिए हम सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। हिंदुस्तान सबका देश है, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की जागीर है। 1947 में आजादी के वक्त हम मुसलमानों ने, हमारे उलमा इकराम ने अपने खून को बहाया है, फांसी के बंदे पे चढ़ाया है, और उसी वक्त 1947 में उलमा इकराम ने ऐलान किया था कि अभी वतन के लिए जिहाद करना जरूरी है। मैं नरेंद्र मोदी से और योगी से और अमित शाह से कहता हूँ, जो आप NRC और ये सब इम्प्लीमेंट करके तुम सोचते हो कि मुसलमानों को इस देश से भगाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह उलमा इकराम ने उस वक्त वतन के लिए जिहाद करने के लिए कहा था, अगर आज वही उलमा इकराम मुसलमानों के खून को देखते हुए इस्लाम के लिए अगर जिहाद करने का ऐलान कर देंगे तो याद रखो, हम जितने कम में उतने ज्यादा हो जाएंगे। मुसलमान किसी से डरते नहीं, हिंदुस्तान सबका देश है। ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ ಇದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಯ ಪಡಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾರು ಭಯ ಬಂದಿದೆಯಾ? ತೂಕ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ। और आप सब लोगों का शुक्र गुजार है कि आप लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे जमा होने का स्पेशल रीज़न ये है क्योंकि अभी हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हिंदुस्तानी। अभी सुनिए, मैं शुरू करता हूँ एक बात से। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको उनके बाप का नाम मालूम है ना? माय नेम इज सैयद वहीद हशमी, माय फादर नेम इज सैयद हाशम, आई एम सन ऑफ सैयद हाशम। सपोज ही इज माय फादर, आई नो नीड टू प्रूव माय सेल्फ, ही इज माय फादर। तो इसी तरह ये देश मेरा है, सो आई नो नीड टू प्रूव माय सेल्फ, ये देश मेरा है बोलते हैं। मैं सब लोगों से यही कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा है, हमारा था, चाहता हूँ। हमारे उलमा इकराम ने, जब 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो जब वतन के लिए ऐलान किया था कि अभी वतन के लिए, अभी मुसलमानों को कहा था कि वतन के लिए तुमको जिहाद करना है, और आज जब से मोदी हुकूमत आई है, कभी नोटबंदी, कभी मॉब लिंचिंग, कभी GST, कभी 370 आर्टिकल, कभी ट्रिपल तलाक का मसला, कभी बाबरी मस्जिद का गलत मसला, ये सब गलत हो रहा है, लेकिन इस बार हम और गलत होने नहीं देंगे। हमारे अखलाक को मारा गया, को मारा गया, तबरेज अंसारी को मारा गया, एक एक करके मारे जा रहे हैं, और ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरेंगे नहीं, और याद रखो, अगर हम चट्टानों को चीरते हुए तूफान की तरह आएंगे, जमीन का सीना फाड़ते हुए आएंगे, पहाड़ों को काटते हुए आएंगे, समुद्रों को रास्ता बनाते हुए आएंगे। हम जितने कम है वो भी ज्यादा है, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारा चलता हुआ सीना ही हथियार है। अरे आप लोग कहते हो कि हमको
हिंदुस्तान से निकालेंगे, अगर किसी के बाद दम है तो हमको बेंगलुरु से निकल के दिखाओ।